आयरलैंड। नाम तो आपने सुना होगा, क्योंकि आजादी से पहले भारत की तरह ही आयरलैंड भी ब्रिटिश शासन के अधीन हुआ करता था। आयरलैंड ही एकमात्र ऐसा देश है जहां का राष्ट्र प्रतीक एक संगीत वाद्य यंत्र है। लेकिन इस वक्त हम आयरलैंड के कुछ ऐसे खुलासों के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में सुनकर हर कोई हैरत है। सब लोग दंग रह जाएंगे आयरलैंड की ये बात सुनकर, इन खुलासों को जानकर। नमस्कार, मैं हूं आतु और आप देख रहे हैं समझ न्यूज इंडिया। आयरलैंड का बहुत बड़ा खुलासा, बच्चों के एक डांस कॉम्पिटिशन में जजों पर प्रतियोगी को जिताने के लिए सेक्स की मांग करने की बात सामने आई है। प्रतियोगी के टीचर और जज के बीच हुई बातचीत के स्क्रीनशॉट किसी ने लीक कर दिए। टीचर और जजों के बीच व्हाट्सएप पर हुई चैटिंग के स्क्रीनशॉट सामने आने के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। कमरे में बुलाने के अलावा घूस भी मांगते थे। मैसेज के लीक होने पर एक के बाद एक कई और खुलासे भी हुए। जज प्रतियोगी को कमरे में बुलाने के अलावा घूस की भी मांग करते थे। पैसों और शराब की महंगी बोतल के बदले कंपटीशन में पॉइंट दिए जा रहे थे। टॉप 5 से लेकर टॉप 3 और विनर बनने के लिए जज अलग अलग डिमांड किया करते थे। यह भी पता चला कि कई बार खुद टीचर ही जजों को इसके लिए ऑफर किया करते थे। सालों से चला आ रहा है ये गंदा खेल। एक रिपोर्ट के मुताबिक आयरिश डांस कॉम्पिटिशन में विनर चुनने के ये गंदा खेल काफी समय से चल रहा था। कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने वाली एक पूर्व प्रतियोगी ने बताया कि जजों का ये रवैया नया नहीं है, पूरा कॉम्पिटिशन इसी पर निर्भर करता है किसने जजों को क्या दिया। इसमें सबसे अच्छा डांस करने वाला प्रतियोगी 0 नंबर भी पा सकता है, और अगर जज उससे खुश नहीं है तो। मामले के सामने आने के बाद स्टेप डांस के बड़े कलाकारों ने इसकी निंदा की। दुनिया भर के डांसर भी इसके खिलाफ आवाज भी उठा रहे हैं। इसके बाद आयरलैंड के कल्चर मिनिस्टर ने डांस ऑर्गेनाइजेशन से सख्त कार्रवाई करने के लिए भी कहा। आपको बता दें कि पिछले कुछ दशकों में स्टेप डांस पूरी दुनिया में पॉपुलर हुआ। अमेरिका और यूरोप के दूसरे देशों में इसका बड़ा बाजार है, लेकिन स्टेप डांस के साथ रिश्वत देकर विनर बनने का चलन भी दुनिया भर में फैला है। लोकल मीडिया के मुताबिक एक स्टेप डांसर का मार्केट जहां जहां है वहां जजों का ये गंदा खेल भी चल रहा है। स्टेप डांस इंडस्ट्री में किसी भी नए डांसर को आगे बढ़ने के लिए कुछ कंपटीशन जीतने होते हैं। इसके लिए आयरलैंड समेत पूरी दुनिया में दर्जनों कंपटीशन भी हैं। इसके जज आमतौर पर सीनियर डांसर होते हैं। नए डांसर उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं, कोई जज को नाराज नहीं करना चाहता। लेकिन जीतने के लिए, पूरी दुनिया में नाम कमाने के लिए कुछ प्रतियोगी इस तरह से मजबूर हो जाते हैं जिनका जजों के द्वारा शोषण किया जाता है। तो ये आयरलैंड का वो गंदा खुलासा हुआ जिसके बारे में लोगों को नहीं पता कि स्टेप डांस के कंपटीशन के आड़ में प्रतियोगियों के साथ क्या किया जा रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, SMZ न्यूज़ इंडिया।